नमस्कार दोस्तों, मैं हूं मनविंदर और मेरे चैनल एमबी स्पीक्स पे आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। आज सोमवार है 18 जुलाई, और आज के दिन जो सबसे बड़ी खबर बनने वाली है वो मैं आपको बताने जा रही हूं। आज राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति का चुनाव होना है। सत्र शुरू होने से पहले ही सभी वहाँ पे चुनाव करेंगे, वोटिंग करेंगे, और उससे पहले एक वीडियो संदेश में विपक्षी उम्मीदवार यशवंत सिन्हा ने सभी विधायकों और सांसदों को एक अपील की है। उन्होंने कहा है कि ये जो चुनाव है ये दो व्यक्तियों के बीच में नहीं है, ये चुनाव दो विचारधाराओं का चुनाव है, इसलिए अपनी अंतरात्मा की आवाज को सुने और मुझे वोट दें। अपने लिए उन्होंने ये कहा है, उन्होंने ये एक वीडियो के जरिए कहा है। और उन्होंने ये कहा कि सांसदों को उन्होंने ये कहा कि संविधान में ये प्रावधान है कि वोट गुप्त होगा, कोई भी पार्टी व्हिप नहीं लाएगी, जिसका अर्थ है कि वे व्यक्तिगत रूप से ये निर्धारित कर सकते हैं कि वो वोट किसे दें। आगे उन्होंने अपने वीडियो मैसेज में कहा कि भारत के राष्ट्रपति का राष्ट्रपति पद का चुनाव इस बार असाधारण परिस्थितियों में हो रहा है और देश विभिन्न मोर्चों पर कई समस्याओं का सामना कर रहा है, लेकिन सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट समस्या का सामना हम कर रहे हैं वो हमारे संविधान की रक्षा और रक्षा की समस्या है। उन्होंने ये भी कहा कि देश में कुछ लोग संवैधानिक प्रावधानों और उसके मूल्यों का खुलेआम सरेआम उल्लंघन कर रहे हैं, चुनी हुई सरकारों को गिराया जा रहा है, ये सब संविधान में निहित लोकतंत्र की भावना के खिलाफ है। अब समझ सकते हैं कि उनका ये कटाक्ष सरकार पे है। आगे वो कहते हैं कि इस साल राष्ट्रपति पद के लिए चुनाव वास्तव में दो व्यक्तियों के बीच एक प्रतियोगिता नहीं है, ये दो विचारधाराओं के बीच एक प्रतियोगिता है। एक तरफ हमारे पास संविधान के मूल्यों के लिए कोई उपयोग नहीं है, और दूसरी ओर हमारे पास उन लोगों का एक समर्पित समूह है जो संविधान और उसके मूल्यों की रक्षा करना चाहते हैं। इसलिए वो ये चाहते हैं कि सभी अपने विवेक के अकॉर्डिंगली संविधान के संदर्भ में अपने वोट का प्रयोग करें। विदेश और वित्त मंत्री जैसे महत्वपूर्ण प्रोफाइल वो संभाल चुके हैं, और सिन्हा को काफ़ी कड़ी टक्कर का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि उनके सामने एनडीए उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू का वोट शेयर लगभग 2/3 तक पहुंचने की उम्मीद है। शायद यही वजह है कि उन्होंने अपना ये एक वीडियो मैसेज जारी किया है। मैं आपको बता दूं कि बीजद YSRCP, बसपा, अन्नाद्रमुक, देपा और जद एस, श्रोमणी अकाली दल, शिवसेना और अब झारखंड मुक्ति मोर्चा जैसे क्षेत्रीय दलों के समर्थन से एनडीए उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू के पक्ष में शत प्रतिशत वोट पड़ने की उम्मीद है, और मुर्मू का वोट शेयर लगभग 2/3 तक पहुंचने की संभावना है, और वह शीर्ष संवैधानिक पद पर काबिज होने वाली आदिवासी समुदाय की पहली राष्ट्रपति महिला बनने के लिए तैयार है। तो दोस्तों, आज दिन भर यही चर्चा रहेगी। आप देखते रहिए एमबी स्पीक्स और करते रहिए अपनी कमेंट, मेरे कमेंट सेक्शन में अपना नोट जरूर दीजिए। एक गुजारिश और करूँगी, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो आप इसे लाइक कर सकते हैं, और अगर आप पहली बार मेरे चैनल पे आए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। तो आपका दिन अच्छा हो।
फिर मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत।